सो गाइस वेलकम अगेंस्ट माय यूट्यूब चैनल। सो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी बैच के बारे में। अगर अपने गेम में वी बैच नहीं होता तो फिर क्या होता। आप सभी को पता ही होगा यार वी बैच के बारे में ये क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ छोटा मोटा सा। सो गाइस ये जो वी बैच है ये आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर जो अपने गरीना फ्री फायर के ऑफिशियल पार्टनर प्रोग्राम के जो मेंबर्स होते हैं उनको दिया जाता है। पहले ये जो वी बैच होता था ये एक स्ट्रीमर बैच हुआ करता था जो कि यार बहुत कम लोगों के पास था। एंड अभी ये जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है तो ये वी बैच बन चुका है। और गाइस ये जो है अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यार अगर ये अपने गेम में नहीं होता तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता अपने गेम पे, ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस ये जो वी बैच होता है गरीना सिर्फ उन्हीं लोगों को देती है जो कि यार यहाँ पे फ्री फायर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाते हैं। एंड उसी के साथ में गाइस इनका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, तो उनको ये मिलता है। एंड इसके साथ में वी बैच के साथ साथ गाइस यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें डायमंड्स एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि यार क्रिएटर को मिलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड उसी के साथ में गाइस ये जो वी बैच होता है ये आपकी आईडी पे आपको मिलता है जिससे कि यहाँ पे पता चलता है आप भाई गरीना फ्री फायर के ऑफिशियल यहाँ पे भाई पार्टनर प्रोग्राम के मेंबर हो। एंड उसके साथ में गाइस आप यहाँ पे भाई एक ओरिजिनल यहाँ पे बंदे हो ऐसा आप कह सकते हो। ओके आपकी आईडी यहाँ पे वेरीफाइड हो जाती है जैसे इंस्टाग्राम पे आप वेरीफाइड होते हो, जैसे यूट्यूब पे होते हो उस टाइप से। लेकिन अगर ये जो वी बैच है ये नहीं होता तो फिर क्या होता। सो गाइस देखो नॉर्मल तो भाई यहाँ पर वी बैच एक इस टाइप से दिया जाता है कि भाई इससे यहाँ पे पहचान की जा सके कि भाई ये जो बंदा है ये रियल है। जैसे आपने देखा होगा भाई यहाँ पे अमित भाई की आईडी पे एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनकी आईडीज पे आपने देखा होगा, बैच 99 की आईडी पे देखा होगा आपने यहाँ पे कि यार वी बैच लगा रहता है। उससे हमको पता चल जाता है कि वो रियल बंदा है, रियल क्रिएटर है, रियल वो बैच 99 है एंड गाइस रियल वो अमित भाई है। उससे पता चलता है कि वो रियल वही है जिसको हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। नहीं तो आपको पता होगा गाइस बहुत सारे यहाँ पे भाई एक ही बंदे की बहुत सारी यहाँ पे फेक आईडीज होती है, बहुत सारी यहाँ पे आईडीज बन जाती है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे वी बैच से क्या होता है पहचान हो जाती है कि ये रियल है या फेक है, उससे भाई वेरीफाइड टिक लग जाता है और पता चल जाता है। उसी टाइप से गाइस ये जो वी बैच है अगर अपने गेम में नहीं होता तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती बट थोड़ा बहुत यहाँ पे हो जाता है ये लोचा कि आप लोग यहाँ पे पहचान नहीं पाते कि भाई रियल कौन है और फेक कौन है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास अभी वी बैच नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे गाइस पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन ही नहीं किया, इस वजह से उनके पास वी बैच नहीं है। जैसे कि अज्जू भाई, और भाई आज भी आपको बताऊं अज्जू भाई के नाम पे बहुत सारी आईडीज एंड बहुत ज्यादा उनके नाम पे स्कैम होता रहता है। इसीलिए गाइस गरीना फ्री फायर की तरफ से यहाँ पे वी बैच दिया जाता है और अगर वी बैच नहीं होता ना भाई तो इसी टाइप से स्कैम होते रहते। लेकिन अभी जिसके पास वी बैच होता है पता चल जाता है कि ये रियल क्रिएटर है या फिर ये भाई फेक है। तो गाइस इसी टाइप से अगर वी बैच नहीं होता तो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे इसी चीज का पड़ता। पार्टनर प्रोग्राम तो गाइस गरीना देती है क्योंकि भाई उसको अपने गेम को प्रमोट करवाना है। वैसे भी गाइस यहाँ पे जो क्रिएटर होते हैं यहाँ पर भाई जो अपना गेम है गरीना फ्री फायर इसको प्रमोट करते हैं, आपको पता ही होगा, इसीलिए यहाँ पे गरीना फ्री फायर ये वी बैच देती है।